नमस्कार दोस्तों मैं अनुराग ओझा में मौजूद हूँ गोंडा में गोंडा में एक साधारण सा दिखने वाला लड़का जिसका नाम रविंद्र पांडे हमारे ही गृह जनपद क्षेत्र से साहब उस लड़के ने अवधी दुनिया में अवधी दुनिया में नहीं पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया साहब उस लड़के से आज मैं आपको मिलवाऊंगा उस लड़के के बारे में आपको बताऊंगा उस लड़के की कविता भी आपको सुनवाऊंगा उस लड़के के एक एक चीज को आपको बताऊंगा सीधा आपको उस लड़के से कैमरे पर इंट्रोडक्शन करवाऊंगा पांडे जी आपका स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया कीमती समय तो आपका भी है जी जी बिल्कुल इनकी पहचान जो है इनकी अवधि भाषा से है और उम्मीद है कि जितने लोग देख रहे होंगे इनको उसी भाषा से जानते हैं और उसी भाषा से बोलेंगे भी जी जी। तो और बताइए पांडे जी हमने अपनी जर्नी जो है अवधी हाँ। भाषा में यहाँ हा, स्टार्ट किया नहा हम एक वीडियो बनाये नहा हाँ। तो न, वो का हम खेल खेल में यहाँ अपने मित्रन के पास भेजन कौन वीडियो रही वो वीडियो रही मन हम कहा हाँ। कि भैया हमारे मेहराू जोन है हाँ। हमार ये ठंडी में यहाँ सेवा कौन में करती हाँ। जैसे तनि भर रात हुआत है हाँ। वो बर्तन माज के दादा वो जुड़े जुड़े हाथ लेके आवत वही रजाई के अंदर दादा ठंड ठंड हमारा म्यूजिक शुरू करती तो वो इतना है इतना ठंड लागत है कि लागत है कि परान निकल जे उस ना है। वो सेवा नी भैया वीडियो में भैया इसे, खेल इसे हंसते खेलत बनावत है और इंस्टाग्राम इनका आप देखत हो एक अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो साहब फॉलो करना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आपके खाते में पंद्रह लाख है वायरल भा रहा हम गाड़ी गायना हमारे अकाउंट से दूसरा वीडियो रहा कैसे रहा कि बरती मन का लई जायी है लूटी भवानी अगुआ हाथ गुअ टूटी और आगे क्या रहा की तु का हाड़ाणी छेद तुह का बीछी कुछ तुका, छे दे, तुका, कुछी छे दे, तुका करिया नाग कराग बी हाँ मरी नाग गयो तो भैया सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी हमारी यही वीडियो से उठा हमारे चैनल और यही वीडियो से हमारे इंस्टाग्राम के जर्नी के शुरुआत भाई और बहुत लोग टांग भी खींचीन बहुत लोग ये विरोध कि ये गावत है यम्मे कह के, के और गावत है और अंच पंच मतलब बहुत कुछ करीन गोड़ खींचे लेकिन 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 मनोज तिवारी तो ना की एम ए के बकरी चरावे तो आप तो बड़ा वीडियो तो बना बी एम एम बेच रहा हाँ तो अब देखा कि सरकार के रवैया तो जनता हो नौकरी शौकरी मिलेगा ना ही है चारे तो अब नौकरी देखते हो कितना अब यू पी पी का पेपर दिया ना एक सौ चौदह क्वेश्चन सही रहा हमार और हो सकता रहा की हो जात लेकिन ये भर्ती रद्द हो ही गए तो अब भैया जीव टूट गया तो अवधि के पीछे लागन हमार पुरान विरासत हुआ है और वह हम जिंदा रखा चाहे थे सरकार भी अपने संस्कृत का बचाव के खातिर जो है बहुत प्लानिंग कर रही है और प्रोग्राम भी लगातार करवा रही है सरकार तो अपने पुरानी विरासत का हम जिंदा रखा चाहे थे और सभी से सबसे चाहे थे आप लोगों से निवेदन है कि अवधि का सम्मान करो और अवधि अपन जो निज भाषा है एक है आगे से आगे बढ़ाओ अच्छा पांडे जी आपने शुरुआत कहाँ से की मतलब परिस्थितियां जब ऐसी बनी टोला पड़ोसी विरोध करने लगे कहा होगा आपके बाबूजी सभी से भी पांडे जी आपका लड़का निकल गया था बिल्कुल भैया समस्या आई कहीं कहन की जो तो ना है तो हर वीडियो बनावत है मेरे बना तो पिताजी हमारे कहीं की बनावत है तो बनावा पांडे जी और कुछ और एक आपका हमने भी स्टोरी देखी थी और हमारे इंस्टाग्राम दर्शक अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे एक लोरी जो बचपन में हम लोगों को सुनाई जाती है कि घंट मंट दुई कौड़ी पावे कौड़ी लक गंगा माता बालू दिन बालू हम भूजक दिन भूजवा हम लावा दिस लावा हम घसीबक दिन घसी हम का घास दिस ऊ घसिया हम घसिया हम ओका गैयक दिन गैया हमका दूध दी दूध हम राजक दिन राजा हम घोड़ दही घोड़ चढ़ा जायत थे पान फूल खात थे तबला बजाई थे नई भीत उठात थे पुरान भीत बरात थे और फलाने अपन हाड़ी पानी बचाए रहो ना ही हमारे फलाने जात हैं फोर लुकाए लुका उड़ान लेके ना आयो ना ही मारो बीस लाती तो पुरानी ये पुरानी विरासत रही है वो पुरानी कविता हुए सभी लगभग बचपन में सुना भी हुई है अच्छा अभी नया क्या चल रहा है दिमाग में जो अभी नवा में एक हमार सामन के गीत है कौन गीत सुनाई दो क्योंकि सामन लाग है तो एक जीजा साली के ऊपर है जीजा साली मामला बहुत गंभीर है तो जीजा अपने साली से कहा था की अब की सावन मा तू तु अपन घर बोलऊ त्यू ना कि अब की सावन मा सड़वाइन तू अपन घर बलऊ ना न की पूड़ी बनऊ त्यू कचौड़ी बनऊ त्यू जी जा कही के सटी सटी जाते चट को चटनिया तू अपन हाथे चट ना ये बहुत तगड़ा वीडियो है हमारा आ रहा है बहुत जल्दी बहुत जल्दी आ रहा है सुर्खियों में दे दिया है अगर आपको पूरा सुनना होगा तो अच्छा आप इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर और यूट्यूब पे हैं लोग जुड़ना आ, चाहेंगे आपसे तो फेसबुक पे जो है हमारा रविंदर पंडित के नाम से चैनल है और उस पे और फिर क्या नाम है इंस्टाग्राम पे जो है हमारा रविंदर पंडित दो से आईडी है जब सर्च करेंगे पहली आईडी आ जाएगी हमारी और मिस्टर पंडित कॉमेडियन के नाम से यूट्यूब पर भी हमारा चैनल है अच्छा पंडित जी गारी गीत आपकी बहुत ज्यादा वायरल होती है जी कुछ और सुनाइए हाँ एक गारी गीत हमने गाया था कि जब दूल्हा बासी खाई जाता है तो कैसे है कि जुट कई गोतनी अन गारी सुना में अरे दूल्हा से करत ही सवाल बरतीहा खाए जा अरे दूल्हा से करत ही सवाल बरतीहा खाए जा और के बारतिया मा आया मैं हरावा छोड़ा का चौड़ी तनी देखा चे हरवा अरे हाय राम गोरे गोरे गाल बरतिया खाए जा कि हम हन सुना तुहरी तो बहनी वो हरी गयी भैया परंपरा है तो गाड़ी को उपयोग करे पड़ता है कि हम हन सुना तो हरी गहिनी वो खरी गई लेके चमर मंगता रात की निकरी गई अरे बहनी ची बिल्ली का खोजा ना भतरावा लागल सोलह साल भरती हा खाए जा अरे लागल सोलह साल भरती हा खाए जा तो हमारा कान ये भी बहुत बढ़िया वायरल हुआ है हमारा वीडियो अच्छा आप अभी जैसे मान लो आपके सामने शिवानी का नाम सुना होगा हाँ शिवानी बिग बॉस में बुला लिया गया जी जी आप अपनी मातृभाषा को बढ़ा रहे हैं और बिग बॉस से सीधा ऑफर आता है तो बिल्कुल जायेंगे अवधि बिल्कुल अवधि आपन जो माता का हम कैसे छोड़ दी हिंदी के बाद अगर हम कौन भाषा का दर्जा दीत है तो वो हमारा अवधि है और अवधि का हमें ले बहुत महत्व है जय अवधि जय अवध हम तो सबसे पहले कहते कि हम सबसे ज्यादा अगर कोनो भाषा का अहमियत दी है तो अपने गांव के भाषा में क्या हाल चाल है ठीक है भैया हाँ तो ये अवधि है भैया जैसे की अवधि नाम है अवधि में देखा गया है कि बड़ी बड़ी फिल्म में काना है अवधि का प्रयोग है जैसे अमिताभ बच्चन जी होली खेले रघबीरा ये कौन सा गाना है ये सब अवधि का प्रयोग हुआ है और जैसे नदिया के पार फिल्म जो बनी ये भी अपने अवधि विरासत पे बनी है लगभग तो पुरानी विरासत है इसको हम जीवंत रखना चाहते हैं और अवधि के लिए हम जी जान से मेहनत करेंगे और कर रहे हैं और इसको बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं आखिरी में आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे और कुछ नया परोस दीजिए सीधा दर्शकों का तो, तो भैया यह कहना है कि आप लोग निरंतर आगे बढ़ते रहो और कहना है कि बर्बाद गुलस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है हर साख पे उल्लू गए थे बैठा हो तो अंजामे अंजाम क्या होगा अच्छा एक चीज हो प्यार में धोखा खाए हुए लोगों को क्या कहेंगे अरे प्यार में धोखा पे हम क्या कही कह सकते हैं कुछ भी कह दीजिए कि क्यों मरते हो यारो सनम के लिए दुपट्टा न देगी कफन के लिए अरे मरना है तो मरो उस वतन के लिए तिरंगा मिलेगा कफन के लिए पूरी बात पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है अपनी प्रतिक्रिया साहब जरूर दें औधी भाषा और भैया की वीडियो आपको कितना पसंद आया ये भी हमको बताइए और एक चीज़ बताएं साहब सुन लीजिएगा पूरी वीडियो आपने सुना होगा भैया का समय भी बहुत कीमती है वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर साहब की हमको याद आ जाएगी भैया का इंट्रोडक्शन ही आपके बारे में भैया के बारे में बताना ज़रूरी था क्योंकि आप जानते हैं कि हम राजनीतिक लोग हैं और ज़्यादा ज़्यादा पूछने लगेंगे तो हम फिर मोदी जी पर अडानी अंबानी पर पहुंच जाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया और हम यही चाहेंगे कि आप लोग अपने दर्शकों से जो है अवधि भाषा के प्रति जो है जो हमारा लगाव है इसको निरंतर आप लोग भी अवधि का प्रयोग करिए और शर्माइए मत बहुत लोग तो कहा थे की देहाती भाषा हुआ है गवार की भाषा है तो भैया तो गंवार की भाषा नहीं है आपकी वीडियो में बीच बीच में बोला करी थे अपने तो अवधि का सम्मान करो आप लोग और अवधि भाषा का आगे बढ़ाओ यह कहा जाए थे जय अवधि जय अवध चलिए बहुत बहुत धन्यवाद